एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम बनाने वाले हैं चिकन बारबेक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने लिया है 2 किलो चिकन। इसमें मैं मसाले ऐड करके इसे मैरिनेट करने रखूंगी। मसालों में सबसे पहले जाएगा नमक, जो कि होगा स्वाद अनुसार। फिर मैंने लगभग 2 बड़े नींबू का सिरप ले लिया। और फिर हम ऐड करेंगे 2 बड़ा बाउल दही का। फिर मैंने 2 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर ऐड किया और लगभग 2.5 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब लगभग 2 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूंगी ताकि वो कलर दे। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और उसके बाद 2 बड़े चम्मच एवरेस्ट का चिकन तंदूरी मसाला। हमारे सारे मसाले डल चुके हैं, अब सिर्फ इसे मैरिनेट करना है। तो सबसे पहले आप अच्छे से इसे मिक्स कर लो। अब इसे ढक कर लगभग 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट कर लो। अब हम करेंगे चटनी की तैयारी, जिसके बिना हमारा चिकन बारबेक्यू अधूरा है। सबसे पहले 1/2 बड़ा नींबू लिया है, जो आप चटनी बनने के बाद एंड में स्क्वीज करोगे। नमक, जो कि स्वाद अनुसार होगा। 3 बड़े लहसुन के दाने और 4 हरी मिर्च। आप चाहो तो क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो। ये मैंने लिया है कुछ धनिया और फिर कुछ पुदीना। अब इन सारी चीजों को ग्राइंडर में अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते वक्त बीच बीच में पानी डालना ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। और हमारा चटनी बनके तैयार है। आप नींबू और नमक ऊपर से डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। चिकन को मैरिनेट करते हुए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। अब ये बारबेक्यू करने के लिए रेडी है। अब हम एक एक करके चिकन पीसेस को स्क्रीवर्स में डालना शुरू करेंगे। मैंने एक स्क्रीवर में 4 से 5 पीस डाला है। अगर आप ज्यादा डालोगे तो वो कच्चा रह सकता है अंदर से। अब ज्यादा कुछ करना नहीं है, चिकन पीसेस को पकने के लिए छोड़ दो और अपना फैमिली टाइम एंजॉय करो। बीच बीच में ऑयलिंग करते रहना, वरना इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा ड्राई लगेगा। आप इसे पलटाते जरूर रहना, वरना एक ही तरफ ज्यादा हीट लगेगा तो ये जल भी सकता है। और हमारा चिकन बारबेक्यू एकदम रेडी है खाने के लिए। सर्व करें इसे गर्मा गर्म विद ग्रीन चटनी। आई होप आप लोगों के मुंह में पानी जरूर आया होगा ये देखकर। अगर हाँ तो फिर कमेंट सेक्शन में रिव्यू देना मत भूलना। मिलूंगी आपसे ऐसे ही यम रेसिपीज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।